ये जिला चकवाल की दो कौमी और चार सूबाई असम्बली की नशस्तों पर ये बुध के रोज भी कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल शुरू रहा है और अभी तक किसी भी काबिले जिक्र जो सिक्काबंद उम्मीदवार हैं किसी के भी कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की कोई अभी इतला नहीं है। तमाम तमाम छह रिटर्निंग अफसरों के दफ्तरों से यही आ रही है मंजूर मंजूर की आवाजें आ रही हैं। तो बहरहाल ये तमाम सरकर्दा पीटीआई के मुस्लिम लीग नून के पीपल पार्टी के तमाम सरकर्दा लोगों की ये कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। तो बहरहाल एक आखिरी मरला अब ये इधर 30 दिसंबर को ये याद अमीर के कागजात की जांच पड़ताल होगी। तो बहरहाल ये सरदार गुलाम अब्बास जी ने 2018 के इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट तक जब उनके कागजात मुस्तरद हुए तो आखिर में उन्हें ताहयात नायल करार दिया गया था, अब उनके भी कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। तो बहरहाल ये एक अच्छा ये शगुन है और ये 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए अभी तक बड़ा पुरअमन इधर चकवाल में किसी के लिए कोई पकड़ दकड़ और कोई रुकावटें नहीं है। बहरहाल जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है उन्होंने अबूरी जमानतें कर कबल गिरफ्तारी इधर मकामी अदालत से करा रखी है तो उन पर बात जारी है। तो बहरहाल ये एक 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए अभी तक ये 220 से ज्यादा उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल कराए हैं और ये रिकॉर्ड टूट गए हैं पिछले तमाम 9 इंतखाबात के मुकाबले में। तो बहरहाल ये मरला 30 दिसंबर को ये कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का मुकम्मल होगा और फिर मुस्तरद या मंजूर कागजात पर अपीलों की समाअत होगी और ये 13 जनवरी को तमाम मेंबरान की ये हतमी जो फरिस्त है और इंतखाबी निशानात के साथ ये आवेदन की जाएगी तो फिर पोलिंग 8 फरवरी को होगी। तो बहरहाल ये एक भरपूर इंतखाबी अमल इधर जिला चकवाल की दो कौमी और 4 सूबाई असम्बली की नशस्तों पर ये भरपूर तरीके से जारी है।